हमीरपुर जिला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत इस वित्त वर्ष में 60 करोड़ 24 लाख का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 12 करोड़ रुपए से अधिक बजट खर्च भी किया जा चुका है। ये जानकारी उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने हमीर भवन में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। बैठक में विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, उपायुक्त हमीरपुर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में शहीद हुए भोरंज के जवान कमल वैद्य की श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई तथा 2 मिनट का मौन रखकर शहीद की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की गई। कि एक आपके यहाँ से कांस्टेबल श्री कमल देव वैद्य जो 27 वर्ष की आयु में वो शहीद हुए हैं, आज जब हमने मीटिंग यहाँ पे की है तो उस समय सबसे पहले हमने उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा है और वहीं से हमने ये शुरू की है। अत्यंत दुख का विषय है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार में कोई ये शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। और ये आपके भोरंज विधानसभा क्षेत्र से ये संबंधित है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की पहली तिमाही की समीक्षा की गई और सभी योजनाओं का लाभ सीधे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मंत्री विक्रम सिंह ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में जरा भी देरी न करने को भी कहा। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस वित्त वर्ष में 60 करोड़ 24 लाख का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 12 करोड़ रुपए से अधिक बजट खर्च भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिला में पहली तिमाही के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1342 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही जिला में अब ये पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या 38,503 हो गई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग और कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का समावेश करके जरूरतमंद लोगों को काफी मदद की जा सकती है। अधिकारियों को इस दिशा में भी विशेष प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग अवश्य ले, क्योंकि उनके पास अधिकांश जरूरतमंद लोगों की जानकारी होती है तथा वे ऐसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में काफी मदद भी कर सकते हैं। 2020-21 में क्या किया और 2021-22 में हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य पेंशन्स की बातें होती हैं। और ये जो हमारे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आवास किस किस को देने हैं, इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा होती है। और जो 2020-21 में हमने जो हमीरपुर के लिए इन सारी योजनाओं के लिए 64 करोड़ रुपए का हमारे पास बजट था और मुझे इस बात की खुशी है कि ये 64 करोड़ का काम जो है वो पूरा कर लिया है इस जिले ने। अभी हमने पहली मीटिंग की है, इस मीटिंग में ऐसा होता है कि ये जो टारगेट्स हैं ये बढ़ाए जा सकते हैं। जो मान लीजिए डिमांड बढ़ गई तो पैसा भी बढ़ जाता है। अभी तक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऊपर 12 करोड़ रुपया जो है वो इस साल के अंदर खर्च हुआ है और मुझे ये बताया गया है कि इस समय जो टारगेट्स हमने किए हैं यानी 30/6/2021 तक टोटल 12,10,76,000 रुपया जो है वो इन योजनाओं के लिए खर्च किया गया है। और जो प्रस्तावित बजट है वो लगभग हमारा 65 करोड़ के करीब है। तो ये जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर अलग अलग जो आपके विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जनसंख्या के आधार के ऊपर ये टारगेट्स जो है फिक्स किए जाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ की जो टीम है और यहाँ का जो वेलफेयर के हमारे काम करने वाले कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे हमीरपुर के जनप्रतिनिधि हैं इस जिले के, वो भी इन सारे विषयों के ऊपर एक्टिव हैं। और आज हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी उस मीटिंग में थे और हमने विभाग को ये निर्देश भी दिए हैं कि ये कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हमारी कमेटी है तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले।